हेलो फ्रेंड, कहानी खुदा की वापसी बाय नासिरा शर्मा। लेखिका नासिरा शर्मा की कहानी खुदा की वापसी मेहर और मोहब्बत के बीच स्त्री अधिकारों को लेकर आत्मसम्मान संघर्ष करते हुए स्त्री विमर्श की कहानी है। फरजाना एक प्रगतिशील विचारों की छात्रा है जिसका निकाह जुबेर के साथ 50,000 मेहर में तय होता है। मुस्लिम समाज में मेहर की रकम स्त्री का वह सम्मान है जो वर पक्ष सिर्फ और सिर्फ उस विवाहक के लिए निर्धारित करता है। हिंदू समाज में दहेज की रकम वर पक्ष को मिलता है, उसका उपभोग उस परिवार का हर सदस्य करता है, पर यहाँ कन्या को मिलने वाली उस रकम पर सिर्फ उसी कन्या का अधिकार होता है। यह उस कन्या के ऊपर निर्भर है कि निर्धारित मेहर की रकम अपने शौहर से ले या स्वयं माफ़ कर दे। इसके लिए उसका पति उसके ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकता। फरजाना ससुराल आती है। पहली रात की मुलाकात में ही जुबेर अपनी नवविवाहिता पत्नी के सामने यह शर्त रखता है कि फरजाना, यह मेहर की रकम हम दोनों के प्यार के बीच एक दीवार जैसी है। यदि तुम मेरी मोहब्बत चाहती हो तो मेहर की रकम माफ़ कर दो, निर्णय तुम्हारे हाथ में है। मेहर लेती हो तो मेरी मोहब्बत से वंचित होती हो, और मोहब्बत चाहती हो तो मेहर माफ़ करती हो। फरजाना के सामने यह बड़ा ही धर्म संकट का समय था जब एक स्त्री के रूप में उसका अधिकार दोनों पर था। दोनों को देने वाला पुरुष ही था, और पर पुरुष सकारात्मक समाज का ही यह सौदेबाजी एक स्त्री के अधिकारों का हनन करने वाली थी। फरजाना की दोनों डबडबाई आँखों में उसके वह दोनों अधिकार तैर रहे थे जो अपरिहार्य थे, पर मन में ऐसी उथल पुथल मची थी कि एक छोड़ने पर दूसरे से सदा के लिए वंचित होना पड़ता। स्त्री बराबर त्याग की प्रतिमूर्ति मानी आई है। पुरुष प्रधान समाज में त्याग की अपेक्षा हमेशा स्त्री से ही की जा रही है। उसने अपने कलेजे पर पत्थर रख कर निर्णय लिया। वह मेहर की रकम लेकर खुदगर्ज नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वह मेहर की रकम अपने शौहर के लिए माफ़ कर देती है। फरजाना ने अपने अधिकारों की बलि अपने पति के लिए भले ही दे दी, पर अपनी अस्तित्व की तलाश में आत्म संघर्ष करती रही। वह मायके आई, अपने भाई से मिली हदीस कुरान को पढ़ा कि ऐसी शर्त जहाँ कहाँ तक जायज़ है कोई सवाल जवाब नहीं मिला, और उसकी तलाश बढ़ती गई। जिस मोहब्बत की दुहाई देकर जुबेर ने उससे मेहर की रकम माफ़ करवाई थी, वह मोहब्बत जुबेर अब तक नहीं पा सका। विश्वास के अविश्वास में शोहर और बीवी के तनाव बढ़ते गए, जो एक दिन फरजाना के तीखे स्वर में मुखरित हो उठे। जुबेर, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उत्तर मिला, फरजाना, हम मित्रों ने यह शर्त लगाई थी कि जो पुरुष पहली रात ही अपनी बीवी से मेहर की रकम माफ़ करवा लेगा, जीवन भर वह अपनी बीवी से अपनी गुलामी करवाएगा। यार फरजाना, बस इतनी सी बात थी, ऐसे सुनना फरजाना के लिए असहाय था। वह तमतमा उठी, और मोहब्बत के नाम पर लगाई शर्त ने उसी मोहब्बत को अविश्वास के दो छोर पर लाद दिया। फरजाना मायके चली गई यह कहकर कि जुबेर, जब तक मैं ना कहूँ मेरे पास ना आना। फरजाना ने तो कह जरूर दिया कि वे जुबेर का इंतज़ार करती रही, और दूसरी तरफ जुबेर के कदम आगे बढ़ते पर फरजाना के कहे वाक्य याद आते ही
रुक जाते। और एक दिन वह निराश होकर विदेश जाने का निर्णय ले लेता है। अहम और संशय ने दोनों की गलतफहमियों और बढ़ा दी, पर फिर कोमल स्त्री स्वभाव जुबेर का इंतज़ार करती रही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।